सो असर के बाद का टाइम है, हम जो है ना वो मैच खेलने आए हुए हैं, तो चलें ग्राउंड में ही इरफान भट्टी साहब से मिलते हैं, दोस्तों से गपशप भी लगाते हैं और आपको थोड़ा सा सीन मैच वगैरह का भी दिखाते हैं। तो आएँ, इफ्तारी की भी टाइम फिर करीब या तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रह गए हैं, चलें फिर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमीदा शहजाद, आप देख रहे हैं देसी रंग। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज जो जैसा कि आपको पता है जुम्मा मुबारक है और 14 जो है ना 14वां रोज़ा भी है, और हम मोहम्मद इरफान भट्टी के साथ क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये पीछे इन्होंने गन्नों की कटाई के बाद खेत खाली हो गया और पिच बनाई है। इरफान साहब, आज आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है? बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 50 टारगेट है। अच्छा देखो अब बन करते हैं अपनी, बहुत अच्छी अच्छा शॉट लगाई सब तसवर ने। अच्छा शाबा शाबा, अब देखे क्या करते हैं। बड़ी मेहनत से ना पिच वगैरह बनाई है इन्होंने, ये गंदम की कटाई के बाद। आए आपको दिखाते हैं, 50 रन का टारगेट है और बैटिंग कर रहे हैं दूसरे, पांच साहब कीपर खड़े हैं। ये देखे कोरा सैकरा हमने श्रीलंका से मंगवाया है। शेफ साहब कैसे हो? ये स्पेशल खिलाड़ी जो है ना वो बॉलिंग के लिए स्पेशल बॉलर है, ईरान से मंगाया। सजा साहब क्या हाल है? ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि तुम जनाब से ठीक है जी आपकी। ठीक ठाक जनाब, बुढ़ा बच्चा। ओ सताजी क्या बॉलिंग है ताड़ी, ए बंदा स्पेशल जड़ा ना यूनान तो मंगाया सा बॉलिंग वास्ते। ओ तेरी ही पाल गए जी। हाय साजी वेरी गुड। वाइट अरहान ओने भी दे लाने नो ओथे बंदा खड़ो लाजमी भी होश हो। मैं जरा कोई नहीं, नहीं लगता अगर सीधी करा दे। दो बॉल 12 स्कोर मारने में नहीं बुलाया पानी दाबा बीच रे। ओ दो दो मिल गए, दो रन आगे आ जाती हैं। साहब एक छक्का खाओ ना फिर 1-5। वाइट वाइट है जो ये वाह गेंद है कैच आई। तो ओपनिंग आ गए हैं, मौलवी साहिब साहब बैठे हैं फील्डिंग कर रहे हैं।
ये दूसरी टीम जो है ना वो फील्डिंग कर रही है। साजिद इकबाल जो है वो दूसरी टीम के कैप्टन जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं। साजिद साहब क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बात ये मेरी बड़ी है। सूरज भी ढलने को जा रहा है, परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तकरीबन 6:20 का टाइम हो गया है, इफ्तारी भी करीब है। यार पंप तेल में मना कीता मैं घर तक ले लोको कढ़ाना पे। दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम जो है ना वो गंदम की कटाई के बाद हमने खेत में पिच वगैरह बनाई है और क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को जो है ना वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आज की तकरीबन 6:20 हो गए हैं, तो मैं अब इफ्तारी का टाइम है, घर जाने लगा हूँ। तकरीबन 1 किलोमीटर घर से दूर है। अब ये देखे होंगे पीछे, ये तो 5-7 मिनट पहले ही आएंगे इफ्तारी से। और दोस्तों आज आपने उस्ताद सजाद की फिर बॉलिंग देखी होगी, एक निराला और नवेकला एक्शन है उनका, डिफरेंट एक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है ना हमारी अच्छी लगी होगी। और हमारा देसी रंग देसी माहौल जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। ये पीछे आप देख रहे हैं गंदम की कटाई के बाद जब दाने निकाल लिए जाते हैं तो भूसा वगैरह जो है ना वो तूड़ी जिसे कहते हैं या हम अपनी पंजाबी ज़बान में भो कहते हैं, उसकी धड़ लगी हुई है, उसका ढेर लगा है। अब इसे समेटेंगे या घर ले जाएंगे या यहीं पे लिपाई वगैरह मिट्टी से कर देंगे, समेट देंगे इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों का रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। लॉकडाउन भी कल तकरीबन को 80% तक जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना वो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह पाक सबका हामी नासर हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो दोस्तों को अच्छी लगी होगी, हमारे देसी भी लोग आज अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिर्ज़ा शहज़ाद को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।